नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। अभी हम रेवाड़ी जिले के वार्ड नंबर 3 के गांव नठेड़ा के अंदर मौजूद हैं और यहां कोसली गांव से कुछ लोग यहां पे पहुंचे हैं और यहां ठीक मेरे पीछे जो मंदिर के लिए यहां पे एक मंच बनाया गया है वहां पे पंचायत हुई थी और उसके अंदर यहां इस गांव के गणमान्य लोग भी मौजूद थे और कोसली से आए हुए लोग भी मौजूद थे। तो यहां पे जानना ये पड़ेगा कि ये लोग किसके लिए आए थे और इनका जो उद्देश्य यहां आने का था वो क्या था और उसके बाद जो गाँव के लोग हैं उनसे भी मैं बात करूँगा। पहले जो कोसली आए हुए लोग हैं चलिए उनसे हम बात कर रहे थे। सर आप बताएं कि आप लोग यहाँ पे पहुंचे तो आप लोगों का आने का यहाँ पे प्रयोजन क्या था? आज लगभग पूरा कोसली गांव जी वार्ड नंबर 3 से हमारे गांव के प्रत्याशी एडवोकेट जीवन नितेशी खड़े हुए हैं, उनके समर्थन के लिए पूरा गांव आज यहाँ एक उस तो के गांव नठेड़ा से अपील करने आए हैं कि जीवन नितेशी को अधिक से अधिक वोट दे, सहयोग दे और वोट के चोट से जी उनको विजय बनाए। हम आज ये हाथ जोड़ से करबद्ध इनको प्रार्थना करने आए हैं और आज नठेड़ा गांव ने जिस प्यार से, प्रेम से, शक्ति से, हिम्मत से, ताकत से हमें आश्वासित किया है तो हम पूर्ण रूप से आश्वासित है कि इस गांव से जीवन हितैषी बहुत भारी मतों से जीते। आपके कहने का साफ मतलब ये है कि इस गांव ने आपका पूर्ण समर्थन कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम पूरे आश्वासित हैं। आज यहां गांव के मौजूद आदमी बैठे हुए थे और उन्होंने हमें बिल्कुल आश्वासित किया है कि कोसली गांव आया है। पूरे कोसली गांव ने हाथ जोड़ के इनसे प्रार्थना की और उन्होंने खुले हृदय से हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और उन्होंने हमें आश्वासित किया है कि लाला को यहाँ से भारी वोटों से जीता के भेजेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जो गांव के लोग हैं वो भी हमारे साथ में मौजूद हैं, जो गणमान्य लोग हैं। चलिए इनसे भी हम जान लेते हैं। सर आप बताएं, आप लोग अभी अभी जिक्र हुआ जीवन हितैषी का, लाला भांड का, उसका समर्थन आप लोग क्यों कर रहे हैं? समर्थन इसलिए कर रहे हैं कि वो एक योग्य और ईमानदार और न्यायप्रिय व्यक्ति हैं जो कि हर चीज के अंदर कभी भी उसको बुलाओ तो वो आगे रहता है और न्याय के साथ खड़ा होता है। कभी भी ये छोटी मोटी बात होती है या कोई बड़ी भी बात होती है तो वो हमेशा न्याय की तरफ दौड़ता है। इसलिए ज़्यादातर लोग और खास करके हमारा गांव उसका काफ़ी घायल है और उसको पूरे गांव की तरफ से भी ये कहा गया है कि भाई हम इसको पूरे बहुमत से जिताएंगे। अभी जो कुछ समय पहले राजनीतिकरण जो हो रहा था तो ये एक राजनीतिकरण ही है। ये एक लड़के जो को प्रकरण अभी चल रहा है उसकी आप बात करेंगे, षड्यंत्र आप उसको बता रहे हैं। जो ये एक षड्यंत्र चल रहा है उसको टांग पकड़ के खींचने की कोशिश करे जा रहे हैं लोग, तो ऐसा नहीं चलेगा, लोग उसके साथ। बिल्कुल बिल्कुल, और भी लोग हैं। सर मैं आपसे आपकी पर्सनल राय पूछूं, मैं तो आप अगर पर्सनली देखें तो लाला के लिए आप समर्थन क्यों करेंगे, क्या चीज़ देखेंगे? जी सर, मैं देख रहा हूँ काफ़ी वर्षों से हमारा भाई कोसली का लाला जो एडवोकेट है जी, वो समाज सेवा में और धार्मिक कार्यों में कभी से ही सहयोग करते आ रहे हैं। आज से नहीं, बाकी कैंडिडेट तो ये अब जो से एकदम चेहरे दिखा दिए हैं, लेकिन ये काफ़ी वर्षों से अपने जो से सहयोग करते आ रहे हैं और हम देख रहे हैं इनको अच्छे अच्छे कार्य करते हैं, सब कुछ समाज की सेवा करते हैं। इसलिए हम इसके समर्थन में हैं और इसको भारी अपील करते हैं कि भारी मतों से यहाँ से जिता कर भेजें जी, हमारी यही प्रार्थना है जी। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप लोगों में से कोई और बताना चाहे, सर आप एक बार, आप में से कोई आगे आए, एक बार आप लोगों में से कोई आगे आए, युवा भी आगे आ सकते हैं, आप युवा हैं, आप एक बार आगे आप ये बताएं कि जिस प्रकार से अभी लाला जो अपने लिए खुद प्रचार नहीं कर पा रहे हैं तो क्या इसका भी कोई इफेक्ट पड़ेगा, क्या जो लोगों के ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा? है हमारा गाँव उसके एक तरफा खड़ा है और हमेशा पिछली बार भी लाला को जिता के भेजा था, अब की बार तो और भारी मतों से। बिल्कुल, सर क्या कहेंगे? बस यही है, दुख सुख में हमारे काम आता है जी, हमेशा उसके साथ है हम, हमेशा इसने गरीबों की सेवा करी है जी। कभी भी पड़ा इसने गरीब का वो आत्मा नहीं दिखाई, जो भी काम करा है इसने ईमानदारी ने ईमानदारी से करा है। कभी भी कोई भी खड़ा मिला है 24 घंटा, नठेड़ा नहीं और भी गाँव में, खाली नठेड़ा की बात नहीं है, ये किसी के लिए मैं मना नहीं करता, आज रात नठेड़ा कभी भी कोई बात हो जाती है, ईमानदारी से काम किया है, इसलिए हम इसके साथ है, पूरा गाँव साथ है और भी कोशिश करेंगे सारे साथ ही इसके। एक तरफा के हम एक तरफा लाला साहब के साथ, नठेड़ा की तरफ से हम वादा कर रहे हैं इस बात को, और भी लोग मौजूद है, चलिए उनसे भी जान लेते हैं।
पीछे की बातें करेंगे। गरीब का साथी है जी वो, गरीब का है, गरीब का साथी है बहुत, बस हमने तो कम आता है बोलना, पड़ोसी है, बस हमारा पड़ोसी है, युवा मौजूद है हमारे साथ में, क्या कहना चाहते हैं? जिस हिसाब से भाई उपस्थित नहीं है आज हमारे बीच, और इस भीड़ को देखते हुए हमें ऐसा लग रहा है भारी भाई भारी बहुमत से जीतेगा। साफ तौर पे यहाँ पे जो लोगों का कहना है वो आप लगातार सुन रहे हैं। यहाँ पे गाँव की पंचायत हुई, और भी लोग मौजूद हैं, कोई बोलना चाहेगा तो उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर आपसे अगर मैं जानना चाहूँ, आप पहले तो ये बताएं कौन से गांव से? मैं कोसली से हूँ जी। जी सर, आप समर्थन के लिए यहाँ तक पहुँचे हैं, कारण क्या? वो समर्थन के लिए इसलिए पहुँचे जी कि एक ईमानदार सच्चा जी प्रत्याशी जो है बहुत ही अच्छा आदमी है, और हर गांव के लिए तैयार रहता है किसी काम के लिए, उसको सुबह शाम कभी भी आप टोक सकते हो, वो तैयार रहता है, और इसमें सबसे अच्छा उसका काम। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, सिर्फ अगर बुजुर्गों की बात करें, युवाओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, और छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो पीछे की तरफ भी दिखाई दे रहे हैं, और इधर भी खड़े हुए दिखाई हमें दे रहे हैं। तो सभी प्रकार के जो लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, और लोगों का जो कहना है वो भी आप सुन रहे हैं कि किस प्रकार की जो बातें हैं वो यहाँ पे चल रही हैं। दो गाँव की ये पंचायत थी, और इसके अंदर जो भी निर्णय लिया गया है वो आप देख ही चुके हैं। आगे की जो अपडेट्स होंगी उनके लिए हमारे साथ बने रहें, क्योंकि इस चुनाव के अंदर जो भी चीज़ें होंगी, अपडेट्स होंगी, वो आपको दिखाई जाएंगे। साफ तौर पे जो नारे हैं वो भी यहाँ पे आप सुन सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। खुल गया है बेरली कला में एकमात्र हॉलमार्क का शोरूम, हीरालाल एंड सन्स ज्वेलर। हमारे यहाँ सोने चांदी व हीरे का सामान तैयार मिलता है व ऑर्डर देने पर तैयार किया जाता है। हीरालाल एंड सन्स ज्वेलर्स, मसीत वाले मेन रोड नजदीक बस स्टैंड, गांव बेरली कला, रेवाड़ी। कॉन्टेक्ट नंबर 7027178038, 9466863187, 9050551652। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें।